अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, नवी पाकिस्तान डे की मुनासबत से क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी ग्राउंड में नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया है। बलूचिस्तान सीनियर हॉकी प्लेयर्स एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम सीनियर हॉकी प्लेयर्स और सेक्टर स्पोर्ट्स 11 के माबैन शानदार नुमाइशी मैच खेला गया, जो कि सीनियर हॉकी प्लेयर्स ने 0 के मुकाबले 2 गोल से जीता। अच्छा मैच का आगाज हुआ है। मैच के मेहमान खसूसी सेक्टर खे मोहम्मद इसहाक जमागी और डायरेक्टर जनरल खे तुला बलोच ने विनर और रनर अप में ट्रॉफी तकसीम की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। सेक्टर खे मोहम्मद इसहाक जमागी ने मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कहा कि कौमी दिनों के मौके पर सूबे भर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनाकिद करने का मकसद खिलाड़ियों को मौके फराहम करने है। जब तक आप मौके देते रहेंगे खेल के खिलाड़ियों को, इस तरह मुकाबले कराते रहेंगे तो मोटिवेशन भी आएगी, वो अपनी सलाहियतें भी बढ़ाएंगे और इस तरह जब मौके आप इनको इस तरह टूर्नामेंट देंगे तब ये आपके खिलाड़ी अच्छे पैदा हो सकते हैं और इसी तरह ग्रो कर सकते हैं। 70 की दिहाई में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले गोलकीपर दाऊद बेग ने कहा कि नौजवानों के लिए टूर्नामेंट कैंप समेत बैन अक्वामी सतह पर मुकाबले मुनक्कित करने की जरूरत है। हमारी हॉकी जो नेशनल गेम थी इसको उस सतह पर लाने के लिए लोकल टूर्नामेंट कराए जाए, यूथ को रोशनाज कराया जाए, कैंप लगाए जाए और बैनर सवाई जो है मैच रखे जाए ताकि जेंट्री जो है हमारी नए बच्चे जो है टैलेंट निकले। 70 की दिहाई से बलूचिस्तान और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज्यादा जूनियर और सीनियर खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद थे। महक शाहिद, क्वेटा।